बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री अपने कर्मों की सजा अपने अपने तरीके से किसी न किसी मौके पर भुगत ही रहा है। किसी का फिल्म सेट तूफान में उड़ा चला जा रहा है, किसी के फिल्म सेट पर आग लग जाती है और पूरा सेट तबाह हो जाता है, किसी के ऊपर इनकम टैक्स और ईडी की रेड पड़ जाती है, कोई सलाखों के पीछे जा रहा है, किसी का तलाक हो रहा है तो किसी के साथ कुछ और ही हो रहा है। यहाँ तक कि ड्रग्स वाले केस में पूरा का पूरा बॉलीवुड बदनाम हो चुका है। जया बच्चन जिनका ये कहना था कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करने का काम करते हो, ऊपर वाले ने भी जया बच्चन की बात को बहुत ही सीरियसली ले लिया। अब लोग यही बोल रहे हैं कि जिस रास्ते पर चलते हो उस रास्ते की बगल के दीवार को तोड़कर गिरा देते हो। तो खबर ये मिल रही है कि अमिताभ बच्चन का जो सबसे पहला बंगला है जुहू में यानी कि प्रतीक्षा, वो बंगला जो अमिताभ बच्चन की नाक है, उस नाक को बीएमसी गिराने वाली यानी कि अमिताभ बच्चन का जो प्रतीक्षा वाला बंगला है उसके एक तरफ की दीवार को पूरी तरह से तोड़कर गिरा दिया जाएगा और अमिताभ के बंगले के अंदर तक, कई फुट अंदर तक, 15-20 फुट अंदर तक तोड़कर वहां से रास्ता निकाला जाएगा। मतलब अमिताभ जहां पर खड़े होकर लोगों को हाथ दिखाया करते थे अब उन्हें थोड़ा और अंदर जाकर लोगों को हाथ दिखाना होगा, क्योंकि जब ये दीवार गिराई जाएगी तो रास्ता काफी चौड़ा हो जाएगा और जो ट्रैफिक की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। अमिताभ बच्चन भी यही सोच रहे होंगे कि सीमेंट का विज्ञापन करता हूँ दीवार को मजबूत करने के लिए और बीएमसी मेरी ही दीवार गिरा रही है। मतलब टेंशन इतना बढ़ गया होगा कि अब ठंडा ठंडा कूल कूल वाला तेल सर पर लगाना ही होगा। मतलब जो सितारे कंगना रनौत का ऑफिस गिराए जाने पर खामोश थे, बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर खुशियां मना रहे थे, अपनी जुबान से एक शब्द तक नहीं बोल पाए, अब धीरे धीरे इन सभी के ऊपर किसी न किसी तरह की मुसीबत आ ही रही है। बहाना चाहे जो भी हो, लेकिन कहना यही चाहूंगा कि ये सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में चुप्पी की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक सीधे साधे इंसान थे, किसी का कभी उन्होंने कोई नुकसान नहीं किया था, और जब सीधे इंसान को इतना प्रताड़ित किया जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी, तो फिर तो ये सब कुछ सजा देखने को ही मिलेगी, यानी कर्मों की सजा यहीं पर भुगत कर जानी है। हैरानी की बात यह है कि बीएमसी ने अमिताभ बच्चन को इस दीवार को गिराने का जो नोटिस है वो साल 2017 में दिया था और अभी भी सिर्फ बातें ही चल रही है। अमिताभ बच्चन का जो वकील है वो कोर्ट में जाने वाला है कि भैया हमारे इस दीवार को गिराना नहीं है, बड़ी मेहनत से पैसा खर्च करके बनाया है तो इस दीवार को बीएमसी ना गिरा सके, इसके लिए कोर्ट में जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हैरानी की बात यह है कि उसी बीएमसी ने कंगना रनौत का ऑफिस नोटिस चिपकाने के एक घंटे के बाद ही तोड़कर गिरा दिया, यहाँ तक कि ऑफिस के अंदर जाकर जमकर तोड़फोड़ की, जहां पर तोड़फोड़ करने की जरूरत तक नहीं थी। भाई कर्मों की सजा हर किसी को अपने अपने तरीके से मिल ही जाती है।